जी तो क्या बात है, भी पंजाब दी थी और पंजाबी अदबान बड़े जोरदार दर्ज नमस्कार आवाज अंडा फनकार कलाकार थाने बैठी अमन रोची रोची दरबार से हाजरी भरन आए हो, जो भी मनोकामनावां लेके आए हो, माता थोड़िया हर मनोकामनावां पूरियां करे, दर हाजरियां प्रवान करे। तुहानू अज इस जन्म दिहाड़े दियां शुभ अवसर दियां बहुत बहुत मुबारकां होन। प्रधान जगतार सिंह जी, सबका सरपंच वालों, एन आर आई वीर वालों, नगर समूह संगत टूटो मजारा वालों, मैं सारे का बहुत धन्यवाद करती हाँ जी, जिन्होंने मैनू इतने बुला के थोड़े रब वर्गे स्रोतियां दे रूबरू किया। मैं थोड़ा देना नहीं दे सकती, तुम मैं इन्ना हौसला इन्ना प्यार और इन्ना सतिकार देने हो। विसाखी लंघ के गई है, आप सब विसाखी दियाँ भी बहुत बहुत मुबारक। सियाने कहते कोई भी काम करना हो सब तो पहला उस परमात्मा का नाम लेना जरूरी है। शुरुआत करांगे साडे दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में विसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की है। जो दुनिया से जुलम हो रहे थे, अत्याचार हो रहा है, तो उस टाइम साडे दशमेश पिता जी ने खालसा पंथ की स्थापना की है। उही थाडी नज़र ओ करते सोच विचार गुरु जी की कुछ करना है, जबर जुलम दे नाल असी हरी हीले है लड़ना है। ओ देश दी उलझी तानी दी गुच्छी सुलझाउण लई मेरे सतगुर करी तैयारी, खालसा पंथ सजाउण लई। साडे करनैल भाजी गढ़ शंकर उन्हां दी कलम चो लिखिया होया इह गीत, कोई तुहाडी नजर ओ कल गईआं वालिया पढ़ने वालियां दे धड़ ते सीस कोई ना। ओ जदी मैं दिखिया जाके स्कूल अंदर पढ़ने वालियां दे धड़ ते सीस कोई ना। ओ करदे सोच विचार गुरु जी की कुछ करना है,
पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की वड्याई जिन्होंने विसाखी वाले दिन 1699 खालसा पंथ की स्थापना की साड़ी सिख कौम लिए। सो हम थोड़ा साड़ा प्यार जो तो क्या बात है भी भैन जी हूँ वालों स्टेज की शुरुआत हो चुकी है, स्टेज का आगाज हो चुका है, क्योंकि साढ़े पंजाबियों के हिस्से आया है कि असं जो कोई भी काम की शुरुआत करना हो सतगुरु नानक का ओट आसरा लैना बड़ा जरूरी होंगे, सतगुरु नानक का शुकराना करना बड़ा जरूरी होंगे है। कहते ने कि इको अरदास होंगी है अमृतसर विखे, कि इको अरदास होंगी है अमृतसर विखे कि अखा बंद करिए सीधा ननकाणा दिसी।
यही सुनेहा सानू दिता पंजा साहब ने कि किसी के मकाया नहीं जमुकना पंजाब ने कि पंजाब उजाड़न वाले खुद ही उजड़ गए पंजाब गुरबां की कृपा दी नाल वसदा है ते हरिमंदर नू टौण वाले किधरे दफन होए हरिमंदर तो पहला नालों भी जचदा है कि पंजाब उजाड़न वाले खुद ही उजड़ गए पंजाब गुरबां की कृपा दी नाल वसदा है ते असी हाजरी पैन जी होना वालों हुण जिहड़े जिहड़े गीतां नू तुसीं मकबूलिया होया है सुनिया होया है कुछ नवे गीत कुछ पुराने गीत पंजाबी लोक तत् गीतां नू तुसीं बहुत सारा प्यार दिंदे हो तो आओ उन्हां गीतां नू आवाज़ देण वाली ओ पंजाब दी धी तुहाडे एक बार तो फिर थोड़ी सेवा हाजिर साडी भैण जी अमन रोजी एक मैनू ताड़ी ला के दस दो जी तुहानू मेरी आवाज समझ आउंदी है जी सर बस हुण कोई फिक्र नहीं होर भाबो राणी है बड़ी सरदई सूट पा के आई है एक पिछे होर भाभी बैठी होर सुनाओ की हाल चाल है तुहाडे वधिया सो मेरा गीत शाम लाट वह गल्लां साडे समाज विच की कुछ वापरदा मेरी हमेशा कोशिश रही है कि सच्चियां गल्लां कीतियां जाण किते ना किते साडे पंजाब दियां ओह हकीकतां बयान कीतियां जाण गीतां राही होर भी गीत चलदे रहिंदे आ सो मेरा गीत शाम लाट उहदे तों ही शुरू करदे आ जी हुक्का दियो जवानी जेड़ी आड़ी ना करे ओ कदायो पंचायती गल खरी ना करे होर दानी उंज बंदा सारी जिंदगी आपारे बंदे नू हरोंदियां ने मजबूरियां कोई वट के नी वटा लाट साव बनदा मैं क्या शाम लाट दब के ना पैन पूरियां कि माड़े नू दबकाउणा जो पहला ही घाबरदा आउंदा फिर स्वाद जे अग्गों होवे पुत बराबरदा नहीं सूरमा सुंदा माड़े ते चकदा तलवारा नू व्याह करवा के यार हंडाउणे फबदे ना मुटियारा नू मुटियारा नू जा पै भी कह सकदे आ कहंदा जे तू तक्के बगानी तेरी भी कोई तक्कूगा जे तू तक्के बगानी तेरी भी कोई तक्कूगा हुंदी यार मारता आई बिच प्यारा गुटी सदा सिखर ते चढ़ी किसे दी रहिंदी ना रहिंदिया समें समें नाल बदलदिया सरकारा सोही की तुहाडी नजर हुक्का दी ओ जवानी जेड़ी अड़ी ना करे अज साडे पंजाब दी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है चिट्टे अरगी दलदल च धसदी जा रही सो की लिखिया गौर करना अक्करे ना फिकर कदी चिट्टी दाड़ी दा जिहदियां हड्डां नू की ना चिट्टा लग जाए आपे दा किया तीर्था ते कीती सेवा दा घरे मां बाप नू ने जो गाला कटी दे I'm in the
ਨਾ ਖਾਦੀਆਂ ਖਰਾਕਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਬੇ ਹੋਣੀ ਬੈਠੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਛੰਨੇ ਪੀਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦਗਮਗ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਰੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਬੇਬੇ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਰੰਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮੈਗੀ ਸ਼ੈਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇ ਖਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੱਕ ਚੁੱਕੇ ਪਿਓਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਖਾਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਖਾਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੀ ਤਰਨ ਸ਼ਾਮ ਲੱਟ ਦਬਕੇਣਾ ਪੈਣ ਪੂਰੀਆਂ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਾਰ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਲ ਯੁੱਗ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣਾ ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਲਾਣਤ ਨੀ ਕੋਈ ਤੇ ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲੱਡੂ ਭਾਜੀ ਲੈ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਗਈ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣੇ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਦਾ ਰੰਨਾ ਦਾ ਠਰਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਯਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦੇ ਵਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਜਦ ਬਣ ਜੇ ਯਾਰ ਗਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ
ਰੂਹ ਕਰਜ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਾਰਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਨੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਜੇਲ ਕੱਟਣੀ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ ਮਾਰ ਕਟਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਡੋਗਰ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਹੋਣ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬੀ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਹੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬੀ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਉਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਹੋ ਕਤਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਂਝ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਟਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਂਝ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਪਰ ਜੜਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣੇ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਠਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇਣੀ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਵਕਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂਆਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਹਾਂ
एक गल सुनानी हूँ सुनानी जरूरी भी कहते जो चोर होंगे ना चोर हूँ रब का सारे का ही रब चोर का भी रब सच्चे बंदे का भी रब पशुआ का भी रब पंछियों का भी कहते जो चोर होंगे ना चोर जो उन्हें भी कितने कोई माड़ी मोटी चोरी कर जाना होंगे तो वह भी रब की अरदास करके जाता कि रबा देखी लाज रख दी अज गफा भी मोटा मिल जाए तो मैं फड़िया भी ना जावा तो थोड़ा बहुत तिल फुल मैं तेरे भी चढ़ा दूंगा तो रब ने सुनी वो भी होंगी वह भी रब का ही जी है पर एक अपना करम बना हों करमा का हिसाब किताब तो देना पैना है जिन्हें भी धरती से आए रब ने सारे खुश भी करना है पर करमा का हिसाब किताब भी देना पैना है मैं एक गल सुनानी हूँनी हाँ भाजी क्योंकि ढुकती बहुत है इस गल के नाल साडे पिछे जे ना लुधियाने चोरी हो गई कि 5 करोड़ की बैंक च कहते वो जी लेडीज़ ने सारा प्लैन बनाया से ना एक तो मीडिया वाले ने उन्हें ना बड़ा सोहना दिता डाकू हसीना कहते उन्हें भी सुख सुखी से क्या बात है भैन जी कुछ सूट पाए हुए है कट्ठा ही थान पड़वाया लगता है हैं बड़िया सोहनिया ला दी सकिया भैन चाचे ताए दी कुड़िया हैं दोस्त तेरे दी फ्रेंड्स होके कट्ठे जे सूट बनाए हुए है अच्छा पहला कोई लट्टी सट्टी की थी फोन फाड़ के गल की थी आंढ गुआंढ च ही रहनी है अच्छा फिर ठीक है चल जाता कहते भी उन्हें भी सुख सुखी सी कि बाबा जी मैं फड़ी ना जावा मैं नाले श्री हेमकुंड साहब मत्था टेक के आऊंगी ते नाले केदारनाथ जाके आऊ बाबे ने सुनता ले खुश कर ली पंजाब पंजाब तो बहर कढ़ दी पर जाके फड़ी श्री हेमकुंड साहब गई है क्योंकि कहते 100 दिन चोर का एक दिन साध आना ही आना अस या दुनिया तो पड़ते पा सकते हैं कि असी पागल बना के कर गए पर जिदन वह जो कैमरा लगे ना उतो कोई डिलीट नहीं करा सकता उन्हें जो रील चलानी है ना फिल्म चलानी है उन्हें वह भी कट के मूहरे ले आनी है जिड़िया याद भी नहीं होनी भी कभी आ भी की सो कि लिखे अकंकनातीपनी दुलने सप्पा दे पुत मेतनी होंगे बैठी हुई मेले चढ़ती तो यार बेली बने औखे टाइम नाल कोई टामा ही खड़े हो मित्र गलासी आले थे आंदे नहीं हो फेर भाले जेड़े असले दे ही कहां विच वज जांदे या जी बंदे दोगले दोगले मुसीबत च भज जांदे या जी बंदे दोगले सो मेरा गिव ट्रू लाइज ओही थोड़ी नजर कहंदा कई पिंड माड़े कम्मा करके बदनाम हुंदे कई पिंड माड़े कम्मा करके बदनाम हुंदे आ कई पिंड चंगे कम्मा करके मशहूर हुंदे आ कई पिंड माड़े कम्मा करके बदनाम हुंदे आ कई पिंड चंगे कम्मा करके मशहूर हुंदे आ कहंदा आप कुछ करना नहीं किसे नू कुछ करन नहीं देना दो चार पिंड च जरूर हुंदे आ
दो चार पिंड च जरूर होंगे गुड्डी चढ़ती तो यार वेली बढ़ पड़े फर्क है कहते जे कि आंढ़ गुआंढ च कोई जवाक गलती कर जे ना अपनी मन मर्जी नाल कि व्याह भी करा लवे कहणगे जी फलाने दी निकल गई ते यही कोई अपना जवाक गलती कर जाए कि कहणगे भैन जी की करिए जवाकों की मर्जी अजकल चलता है चल वधिया अपनी पसंद का लभ लिया साडी टेंशन मुक्की सोच का फर्क है की लिखा है अपनी जनानी मुछ खड़ी दा की फायदा जिस पल्ले बदनामी Oh,
ਬਰਾੜ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਬੰਦੇ ਦੋਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਡੂ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵੈਰੀ ਸਾਧਾ ਦੇ ਤਵਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਦੀਆਂ ਗਾਣ ਡਾਂਗ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਨ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਲਾ ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਗਵਈਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਊਂਗੀ ਨਾਲੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ
सजनिया वे सोनिया पिंड किल्लिया लग्या ते मेले दी हुई गल है क्योंकि इस मेले च बहुत तरह के मिलाप भी होंदे ते विछोड़े भी होंदे कई तां आउंदे साल नूं इस मेले विच नहीं भी होणगे देशां च होणगे पता नहीं कित्थे होणगे ते कई अज मेरियां भैणां पेके पिंड आईयां होणियां मेला वेखण कि माई बाली जी का मेला लग्या ते जाना ही जाना किन्नियां काईयां हथ खड़े करियो तां जरा कर क्या बात अद्धा मेला ही आया है मिलिया फिर पुरानिया सहेलियां मिलिया फिर ओही गल तो पक्का कही होनी है जिहड़ी मैं कहनी होनी है नी पम्मी है तू हाँ नी तू तो बाड़ी बीत गई नी की खानी नी एक मैं आ कुछ खांदी नी तां वी मोटी हुंदी जानी आ भाजी होनी पता की कहणगे कहते जिथे जिथे चार जनानियां कट्ठिया हो जाने चुगलियां नहीं खत्म
चुगलियां चगलियां कोई नहीं होंदियां भाजी, साढ़े को ही गल नहीं खत्म होंदियां। तू पतली किवें हो गई तो सूट कित्थों सवाए मैं अक्सर गल करती हूँ भी सारे पिंड की खबर देने तो एक बीबी हुई बथेरी होंगी है। और देखो माता को पता कहती हाँ हैगी है कोई अपने भी है जे कि कोई गल गुल पता करनी हो कह नहीं उन्हें पूछ लो उन्होंने पता हो उन्हें सारा कुछ पता हो तो हासे मजाक दियाँ गल्लां है। सो की लिखा किसी शायर ने बहुत कीमती गल्लां लिखियां हैं हासा मजाक भी होना जरूरी है। की लिखा हाथ कुट के फाड़ ले वे हल्ले साडी उम्र नी आड़ी मैं सुनिया मेले चो बिछड़ के कई रूहां दे बहुत कीमती है जी जड़ियां मैं अगलियां कहन लगी हैं साढ़े सारे लिए है। अगर तुसी नाल ताड़ी दा साथ दोगे हौली हौली मैनू वधिया लगूगा सारे जाने ए दर्द भी छोड़े ना भाजी आप भी मेले च आए ए दर्द भी छोड़े इन्ना हौसला देने इन्ना प्यार देने लिए साढ़े विच बहुत ही उगे गीतकार जरनैल सिंह जी हाजीपुर वो भी बैठे ने। सो मैं उन्होंने भी जी आया कहनी हाँ सो मेरा गीत जट दिया तीन सहेलियां वो फरमायश है जी मैंने तो कोई नहीं मेरे को ऐसिया ऐसिया गल्लां आ बस तुसी सुनन वाले ते बर्दाश्त करन वाले होने चाहिए पर कई बारी की करिए कई बारी ज्यादा सच बोलिया जाता तो बाद चो सानू उदू वध कौड़ा सच सुनना पै जाता। सो कहिंदे जी सच्चियां गल्लां सुना दो फरमायश है जी जट दियां तीन सहेलियां ना किन्ने सुनिया जट दियां तीन सहेलियां ताड़ी ला के दसियो तो जरा
कुछ नाम आया थोड़े सारे वालों प्यार सतिकार आया कुछ नाम फिर उस तो बाद जी तो क्या बात है भाई बहुत सारे गीतों फरमाइश है तीन सहेलियां गीत की फरमाइश है वैली गीत की फरमाइश है और नाल ही पंजाबी लोकतंत्र गीतों की भी फरमाइश है तो भाई सिद्धू मूसेवाले के गीत भी फरमाइश है भाई सिद्धू मूसेवाले ने कड़ा कड़ा प्यार करता है एक बार ताड़ी ला दो फिर परमी बिल्कुल और मैं गुजारिश करांगा भैन जी होना कि भाई सिद्धू मूसेवाले की गीत भी फरमाइश है और तुसे जिन्हें भी सजे हुए हो सारा का तेन तो धन्यवाद करते जिन्हें भी पंच सरपंच एन आर आई वीर जिन्हें भी तुम सजे हुए हो इलाके दंगत नगर दंगत वालों अज का जोड़ा मेला संपूर्ण हो रहा है माता जी के दरबार से तुम सजे हुए हो चोलियां पराने लिए बैठे हुए होडा ठाठा मारता हुआ कट और तीन सहेलियां गीतों तुम्हें बहुत सारा प्यार दिता हो मकबूलिया होया अपने मोबाइल स्क्रीन पर अपने टीवी स्क्रीन पर तो जो गीतों तुम्हें सुनिया हो देखा हो तो आओ तीन सहेलियां गीत एक बार तो फिर साढ़े भैन जी अमन रोजी सो सच्चियां गल्लां भी तुहाडे लई लैके आवांगे उस तो पहला जट दियां तीन सहेलियां फिर भी सिद्धू मूसेवाले गाने दी फरमाइश है जी उस तो बाद सच्चियां गल्लां फिर जिदा जिदा प्रबंधक कमेटी का हुक्म होएगा सो मैं फिर धन्यवाद करदी हाँ जी माई बाली जी की पूरी प्रबंधक कमेटी का एन आर आई भरावां का जिन्होंने मैनु तुहाडे रब वर्गे स्रोतियां दे रूबरू किया जी थैंक यू बापू जी मुंडा घबरू शकीन मुछा कुंडियां नी मैं जिदे ना फसा के बहगी कुंडियां गबरू दा दबका बड़ा नी रैनी सैनी भी ना बाबा वांगू है जट दिया तीन सहेलियां नी कुड़ी नुकरी तू नाली दी जी मैं ऐशा कर ली नी लली शली कोला डरे
जिन्या भी मैचिंग वाली आई हैं प्लीज एक बार स्टेज पर आऊंगा मैं थोड़े नाल फोटो करवानी है जिन्ना जिन्ना ने भी कट्ठिया ने इको जो सूट पाए अच्छा वड्डी तो कोई भी नहीं हैगी हैगी छोटिया छोटिया ही है सारी उच्ची सोच ते जमीनी नारी जुड़िया ओ जद्दी सरदारा दा सारे चोपरा तो दिसा दा अलग ही कुड़िया है दे बराड़ा दा सिद्धू मूसे वाला ताड़ी लाके दसो सो बहुत बहुत मुबारक पहले तो तुम छोटे वीर सिद्धू मूसे वाले दे आउंदी है क्योंकि परमात्मा ने हर एक की अरदास कबूल की है सो शुकराना उस परमात्मा का कि उस हवेली नु फिर भाग लाए है सो परमात्मा माता पिता चढ़ दिया कला च रखे छोटे वीर नु भरा चढ़ दिया कला च रखे तंदुरुस्तियां बख्शे लंबिया उमरा बख्शे बस यही असी अरदास करते हैं क्योंकि मैं अक्सर गल करती हूँ अरदास विच बहुत ताकत है अरदास कभी बिरथी नहीं जाती सो तो तुहाड़ियां फरमैशा सिर मत्थे वीर जिस्मानी तौर पर साढ़े विचकार नहीं है पर अपन लिखता राही अपने गीतों राही हमेशा साढ़े जिंदा रहेगा सो वीर के गीत नाल हाजरी लैने हाँ जी प्रॉब्लम की आ रही है अभी ज
जी तो क्या बात है भाई, बहुत सारिया फरमाइशा फैली की भी फरमाइश है। एक बार भरवी ताड़ी लाओ भाई सिद्धू मूसे वाले के नाते। बिल्कुल उन्होंने गीतों को बहुत सारा प्यार दें और रोशन मिले तो भैन जी उन्होंने गाया से भाई सिद्धू मूसे वाले का गीत। चाहे मैरिज फंक्शन हो मेला हो सू अक्सर फरमाइश आती रही है तो भैन जी उन्होंने गुजारिश करा पहले सिद्धू मूसे वाले का गीत उस तो बाद वैली गीत की फरमाइश है। बाकी जिमें जिमें थोड़ा हुक्म होगा उमें मैं चलते रहा मेरी भैन बुजुर्ग मेरे हानी भीर तुम जिन्हें भी बैठे हुए हो तो आओ एक बार तो फिर साढ़े भैन जी अमन रोजी जिन्हें खेडना हुंदा मैं गिन मन आ रोज दे काम दे साडे मिर्चे रांझे जमदे नहीं Oh,
गुप्ता साउंड एक उन्होंने ना तो ताड़ी ला लो इधर बिट्टू खन्ना साउंड वो थोड़ी सेवा तो है पहुंचे हुए और मेल तो बाद कन्वर गरेयाल जी ने हाजरी लौनी है वो भी थोड़ी बस थोड़े टाइम तक थोड़े रूबरू हो गए लाइना वीर दी आई है लेकिन थोड़े लफ्ज अगे पीछे की मैं अक्सर गल कर दी हुई है कि अज असं बहुत कहने साडा भाई साडा भाई लेकिन जिंदे जी उन्होंने भी किसी ने नहीं छड़िया क्योंकि वीर ने जिन्ना भी गाया जज्बाती गाया की लिखा गौर करना एक मैनू रिदम प्रॉपर दवो क्या बात है जी गुरविंदर कैंडोवाल जी उगे गीतकार जोरदार ताड़ी लाया करो जी जो यहोजी शख्सियत आदि प्रबंधक कमेटी ने तो प्रबंध ही बहुत सोहना किया हो थैंक यू भाजी थैंक यू ताड़ी ला के जी आया उन्हां दा मान वधाया करो जिन्ने भी यार उहदे सारे यक लाउणे मुंडा ता साऊ सी ओदे गीत पड़काऊ दे Oh,
सो हाजरी है वीर सिद्धू मूसेवाले नु श्रद्धांजलि होगी अगर नाल ताड़ी दा साथ दोगे जी क्या बात है सिद्धू मूसेवाला जो लिख गया शरिया मेरा ना चलदा आ डॉलर वांगू नी ओदा ना बर हो चलदा आ डॉलर वांगू नी ओदा ना बर हो चलदा आ डॉलर वांगू नी लाइए फिर सच्चियां गल्ला क्योंकि जो एहो जिहा माहौल होवे अगे मैनूं भाजी कहिंदे जी काम आपां 440 रखणा है सो नहीं टूटो मजारा च माई बाली जी दे दरबार ते मैनूं अज मैं लगदा चौथी बार हाजरी भरन दा मौका मिलिया सो मैं अपने आप नूं भागां वाली समझदी हां तुसीं जिन्नी भी संगत आए हो सो वैली गीत की फरमायश है जी उस तो पहला सच्चियां गल्लां साढ़े पंजाब दियां कुछ कौड़ियां सच्चाइयां उही थोड़े नाल अज दी जिहड़ी जनरेशन है उस नू मैसेज है इस गीत दे थ्रू सो गौर करना एक एक गल सुनन वाली है जी हो बच शेरा बच समा बड़ा माड़ा चले वे अज भी चौरासी आले जख्म अले वे बच शेरा बच समा बड़ा माड़ा चले वे अज भी चौरासी आले जख्म अले आ मास दिया बोटिया नू इला पै गिया बड़ी औखी ओ लाहौर वाली कंध टप्पी सी आ जेड़े दिन गया सी पंजाब वंडिया पूछी दादे कोलो किन्नी औखी रात कटी सी आ जेड़े दिन गया सी पंजाब वंडिया पूछी दादे कोलो किन्नी औखी रात कटी सी हो गल करा मैं सुबह घी मारा किसे नू नताना मन गया चेंज बड़ा हो गया जमाना हो गल करा मैं सुबह घी मारा किसे नू नताना आ मन दिया चेंज बड़ा हो गया जमाना होर तब थेरे मुद्दे चुकी फिर दे पर मनो जाना मनो विशा है विचार दा अलग दा पंजाब च पवा के हटू सुन मैं क्या कादा ए रिवाज आया पीआर दा मैं नहीं कहंदी कि बाहर जाना माड़ा है बाहर जाओ परमात्मा ने दुनिया बहुत सोहनी बनाई है पर हां मैं क्या तुसी तां कहना आप गेड़ा कढ आंदी है ते सानू गल्लां करदी है बाहर जाना चाहिदा है पर मेरी सिर्फ परिवारां नू एक छोटी जी ही बेनती है क्योंकि अक्सर बाहर जांदे रहने हैं ते बाहर भी तुसी ही भेजण लाया सानू तुहाडी बदौलत ही बाहर जाण लग्गिया सी पर कुछ ऐसियां सच्चाइयां आ जो बयान नहीं कीतियां जा सकदियां जे समझना होवे तां इहदे विच ही सब कुछ है कि बहुत छोटियां उमरां च साडियां कुड़ियां नू बार ना भेजो मैं तो बस यही कहूंगी कि लिखा हो गल करा मैं सुबह घी मारा किसे नू नताना
मन दिया चेंज बड़ा हो गया जमाना ओए होर ता बथेरे मुद्दे चुकी फिर दे मनो जाना मनो विशा है विचार दा अलग दा पंजाब च पवा के हडू सुन कादा ए रिवाज आया पीआर दा आ गोरे खो के लैगे साथों साडियां रियासतां गुरु घरां विच वाड़ी गईयां ने सियासतां आ गोरे खो के लैगे साथों साडियां रियासतां गुरु घरां विच वाड़ी गईयां ने सियासतां ओ जीदा ना किते वी हुंदा जोर चलदा ओ झट ही ग्रंथी दब लैंदा आण के मैं क्या पाठियां दे घरां दियां छत्तां चोंदियां आ गोल काणू खाने वाले मौजा माण दे ना किन्ने के इस गल नाल सहमत है ना बाकी नहीं सहमत है गे मैं क्या पाठियां दे घरां दियां छत्तां चोंदियां पर गोल काणू खाने वाले मौजा माण दे आ रखू कित्थों सांभ के विचार माई पागो दे समझ च आउंदी ना पंजाबी हुण लाडो दे आ रखू कित्थों सांभ के विचार माई पागो दे समझ च आउंदी ना पंजाबी हुण लाडो दे माँ खुद बियर दे कैन खिचदी कित्थों वट के खवा दू खोए दिया पिनिया पार कित्थों चलू सरब लोहे दे कड़े दा आटी किया ना जिन्ना दिया बहा बिनिया आ पार कित्थों चलू सरब लोहे दे कड़े दा मैं क्या टीकियां ना जिन्ना दिया बहाविनिया ओ पे बाइक गाई की ते वखरा अंदाज रहू मैं ता ऐदा गीता विच चक दी आवाज रहू थैंक यू जी थैंक यू सो मच थैंक यू आपे बाइक गाई की ते वखरा अंदाज रहू मैं ता ऐदा गीता विच चक दी आवाज रहू आ राजवीर पन्नू जिन्ने बोल लिखिया कल्ला कल्ला साचिया बयान करदा आ हुण जिहड़ी गल कहन लगी है ना जे किते सानू ये समझ आ जे तां असीं किथे मरदे आ की है जे पावर वोटां दी सानू पता लग जे आ फिर एडी छेती नी पंजाब मरदा जे पावर वोटां दी सानू पता लग जे आ फिर एडी छेती नी पंजाब मरदा एक गल आखा लगूगी तां कईआं नू कौड़ी पर सच आ जदों असीं विकण ते आने ना एक पौए पिछे विक जाने क्योंकि सानू अपने आप दा ही नहीं पता सो ये सी जी कुछ हालात इत्थे हुण एक फरमायश आई सी कहिंदे जी तुसीं नशियां बारे बोलदे हुंदे हो मैं अगे भी जांसले गल कीती सी ते दुआबा टीवी चैनल भी अपना ही है जदों मैं बोली सी ते दुआबा चैनल वालिआं ने ही पाई सी क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सोच है हर किसी का अपना अपना दिमाग है किसी नूं दाल वधिया लगदी है किसी नूं दाल नहीं वधिया लगदी मेरे लिए नशे नशे है मेरे लिए हर नशा ही माड़ा पर मैनू लोग कहते बीबा तू तो छोटे नशियां नू भी विच गिणी जानी है तो छोटे ही नशे मैनू तो लोगों तो पता लग्या भी छोट नशे वड्डे छोटे भी होंदे है मैनू तो पब्लिक ने दस्या मैं क्या वाह जी वाह चलो जेडे माड़ा बोल गए उन्हां दा भी धन्नवाद पर मैनू थोड़े माड़ा बोलने थोड़ा जहा पहला मायूस तो होया पर हिम्मत हुण बहुत आई है सच बोलने की
हुण हिम्मत आई है जदों कोई हुण माड़ा बोल देंदा ना हुण दुख नहीं लगता हासा ही निकल जाता भी की करिए बेचारा बीमार है इहनूं कुछ कह नहीं सकदे आप इहदी परवरिश ही इदां हुई है की कह सकते हैं सो वैली गीत की फरमैश आई थोड़ी नजर बदले जो भीड़ देख के कादा हो प्यार सुने ओ चले ना लोड़ पैन दे आ जा बीबा मैं ता लेना आहा एक मिनट आज की इनू की कहते बुढ़ी माई का झट्टा ही कहते होंगे ना इन्हू साढ़े टाइम से तो आ ही कुछ कहते आ बुढ़ी माई का झट्टा आ दे दे आए देखी कि क्यूट आ सो थैंक यू सो मच तुसी इन्ना प्यार सतिकार हौसला दिता मैं अक्सर गल करती हूँ नहीं कि आज दे टाइम च असी हर एक चीज़ वापस कर सकते हैं तुसी माता जी दे दर ते हाजरी भरन आए मत्था टेक के जा भी सकते हो पर नहीं तुसी ये जड़ा मान ये हौसला सानू दे रहे हो इन्ना उच्चा खड़े हैं कुछ फुट उच्चा खड़े हैं तुहाडे तो ये तुहाडे ही खिला रहे हैं अपना दूसरा परिवार भी आ गया लगता जी आ जाओ जी आ जाओ एक वैली तो उस तो बाद किसानी अंदोलन की फरमायश है एंड आप किसानी अंदोलन ला के जावे अपना दूसरा परिवार भी पहुंच चुके हैं सो जो अपना कीमती समा मैं अक्सर गल करती हूँ कि इंसान हर एक चीज वापस कर सकता अज के टाइम च लेकिन एक समा जो अस वापस नहीं कर सकते थोड़ा जो कीमती समा सू अपना दे सकते हो मैं थोड़े चरणों प्रणाम करती हाँ धन्यवाद करती हाँ सो आज भी रहे बदले जो भीड़ देख के कादा हो प्यार सुनिया ओ चले ना लोड़ पैन दे कादा हथियार सुनिया जीतो तंग होन मुसाफर जीतो तंग होन मुसाफर ओ कादी ओ रैलिया सुते नूं वाढी जावे जो कादा यो वैलिया सुते नूं वाढी जावे जो कहिंदा चंगी होवे पंचायत दूर धड़े बाजी तो ते पिंड कर जे तरक्कीआं दो चार हुंदे पिछों लत्तां खिचणे हुण नालियां ना पक्कीआं जिन्ने देखी आ गरीबी ओनी पैर छड्डदा जी पता चंगे मंदे दा इधर दी उधर वधा के करनी जी कम नंग बंदे दा कहिंदा अमली दी गल दा कोई यकीन ना करे अमली दी गल दा कोई यकीन ना करे ढेले दियां इज्जतां ना रहिंदियां जिहदे डौलियां च जाणे होई ओ जित दा मैदान चिट्टा लाउण वालिआं तों कबड्डियां नहीं पैंदियां ओ कहिंदा पप्पू बराड़ा बहुती देर बिजनेस नहीं ओ चलदा ओए दो नंबर दे धंधे दा पर इधर दी उधर वधा के करनी जी कम 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 नंग बंदे दा बदले जो भीड़ देख के कादा ओ प्यार सोनिया आशक दी कूड़ा से
गल करके गई है कि यार बना के यार दी भैन ते अख रखना, यार दी तीवी ते अख रखना, एदू वड्डी लानत नहीं कोई ते एदू वड्डी मूंह जी बोल दे दुआबे वाली मारियो तो जरा कैमरा इधर गदारी नहीं कोई सो की लिखे बापू नू तू कहते यार यो लड्डू होंगे जो बुढ़िया दे मूह वल पेंदे बच्चे दे हाथ च असला बच्चे दे हाथ च असला गीत है जी मेरा किसानी अंदोलन की फरमाइश धोन फिर तेरी किरा ने चुका के हटना जीती अपनी पंजाब ने पुगा के हटना मूरे होण नु खड़े कुर्बान दिल्ली के वेख ला शंभू बाडर तैयार के कसान दिल्ली मैं माई बाली जी की पूरी प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद करती हूँ जी बहुत सारा मान सतिकार थैंक यू सो मच इन्ना हौसला देने लिए तुसी सारे मेरे लिए सतिकार योग जिन्हें भी आए हो किसानी अंदोलन फिर बहुत जोर से है मैं अक्सर गल करती हूँ कि मैं पहला भी गल करके गई अरदास ताकत बहुत है अरदास करते हैं परमात्मा अगे कि साढ़े बजुर्ग वीर भैन मावं जिन्या भी शंभू बार्डर ते ने गए किसानी अंदोलन लिए अपने हकों लिए लड़ाई लड़ रहे ने फिर परमात्मा तंदुरुस्तियां बख्शे उन्होंने हिम्मत दवे ते अपने हकों की लड़ाई लड़ के जीत के अपने घर वापस आन एक नारा लाऊंगी जी किसानी अंदोलन ते सारे ने नाल नारे का साथ जरूर देना भैनों मैं पहले ही कह देव तुम भी बोल पियो ऐ ही बैठिया रही
इन्हों एक दो बारी कवो फिर ही कहती है ये अपने भी हक की लड़ाई है आप भी चुल्हे चौंक च ता ही पकानी है किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता हो पिंजरे दे विच बंद नहीं रहना बब्बर शेरां ने नी दिल्ली हाकी अपने लैके छड़ने मर्द दलेरां ने नी मैं क्या पिंजरे दे विच बंद नहीं रहना बब्बर शेरां ने नी दिल्ली हाकी अपने लैके छड़ने मर्द दलेरां ने ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕੇਰਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਹਟਣਾ ਜਿੱਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
सानू नहीं हो परवान दिल्ली ये नहीं खनौरी पाटे रीति यार के किसान दिल्ली ये नहीं पाटे रीति यार के किसान दिल्ली ये नहीं खनौरी पाटे रीति यार के किसान दिल्ली ये नहीं निशान दिल्ली है नी आके देख ले की लिखे हल्ले पहला वाले ताजे या निशान दिल्ली है नी आके देख ले हल्ले पहला वाले ताजे या निशान दिल्ली है नी आके देख ले अच्छा पपाटर तैयार के किसान दिल्ली सुमलैनी का हाजरी कबूल करना परमात्मा तुम चढ़ दिया कला च रखे तंदुरुस्तियां बख्शे सो धनवाद कर दिया जी फिर पूरी प्रबंधक कमेटी का क्या बात है थैंक यू भैन जी थैंक यू सो मच साबर थैंक यू तेरा वाह जी वाह जोरदार ताड़ी तुसी भी सम्मान दे दो ऐदा ही बैठे बैठे इधर वाले भी भाई वाह क्या गुम सुम हो गया जी मंत्र मुक्त करते रहो जी तुसी कमाल ही है हुण जरूर ओके ओके थैंक यू सो मच बहुत कमाल दा मैटर अमन रोजी हुणी तुहाडे रूबरू कीता है तुसी बड़ा ही प्यार सत्कार सुन के दिता है फाइनैंशियली भी सपोर्ट किया बड़ा शुक्रिया तुहाडा ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਰਮਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਅਮਨ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਕਵਰ ਕਰੇ ਬਾੜ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੁਆਬਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ